वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ नौकरी की। देखो भाई, ये जो नौकरी है ये निकली है आप लोगों के लिए इसरो में। इसरो का एक डिपार्टमेंट है सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR, तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा कि आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें। यहाँ पर ITI वाले बच्चों को ज़्यादा मौका दिया है, ज़्यादा वैकेंसी ITI वालों के लिए। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 90 के आसपास वैकेंसी है। SCVT NCVT दोनों चलेगा। और बाकी यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर ट्रेड के लिए NCVT और SCVT दोनों का क्राइटेरिया नहीं रखा है, सिर्फ NCVT का रखा हुआ है। SCVT वाले कुछ कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा की भी कुछ अपडेट है, वो नीचे आपको ट्रेड बताऊंगा तो उसके साथ क्वालिफिकेशन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी नीचे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ भाई, देखो अगर आप में वो गट्स हैं कि दूसरे स्टेट में जाके आप जो है इसका फॉर्म फिल करके नौकरी करना चाहते हैं तो भरिए, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आपको भरना है या नहीं भरना। फ़ी की बात करूं, SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं, लेकिन जो यहां पर जनरल कैटेगरी के OBC कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये का क्राइटेरिया है। इसमें आप लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, ये मत समझना कि सैलरी आपको कम मिलेगी, क्योंकि ये जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि कारपेंटर वाली जो पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है, लेकिन OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इस पर फोकस करना। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि अगर आपने यहाँ पर जिस तरीके के नोटिफिकेशन देखे हैं उसमें क्वालिफिकेशन आपको मैंने बार बार अच्छे तरीके से समझाई है, बाकी आप इसे अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। ठीक है, केमिकल वाली पोस्ट है, केमिकल में आप देख लें कि क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रिशियन में वैकेंसी आप देखें कि क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। वैकेंसी इसमें 10 है, किस कैटेगरी के लिए कितनी है एक बार इसे देख लेना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, 14 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन आप देखना। उसके बाद यहाँ पर जो है फिटर की आई थिंक सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो फिटर वाले बच्चे ज़्यादा अप्लाई करना। और यहाँ पर दो एरिया में आपके पोस्टिंग होने के चांस है, एक तो मुंबई और एक आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश। बाकी आप देख लो कि आपको भरना है या नहीं भरना। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 2 पोस्ट है, बट कैटेगरी वाइज आप देख लेना। यहाँ पर पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये भी देख लेना। उसके बाद RNAC की वैकेंसी है, इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेना। क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 10 बार मैं आपको क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। इसमें आपको 10वीं पास होना है, 10वीं के साथ आपका ITI होना चाहिए। अगर आपने ITI नहीं किया तो NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NCVT से ITI होना चाहिए, SCVT नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है और भी इन्होंने क्राइटेरियाज दे रखे हैं, ये आई थिंक कुछ अलग है, लेकिन वैकेंसी एक ही है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे फिटर की दिखी है, तो फिटर वाले बच्चे देख लेना। आपको पता है फिटर खाली एक कैटेगरी से नहीं होता है, फिटर का बॉयलर फिटर भी होता है। आपका फिटर के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है फिटर की, तो अगर आपने डिफरेंट कैटेगरी से किया तो इस वाली कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। बाकी आपने कॉमन फिटर किया है तो ऊपर जो 34 वैकेंसी दिखाई है मैंने उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया 18 से 35 साल का, ये मुझे सही लगा कि एज जो है यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से दी गई है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो आपका पे आउट स्ट्रक्चर है, अच्छी सैलरी है। और बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे और भी क्राइटेरिया मैं अभी आपको फॉर्म पे भी लेकर चलूँगा, ज़्यादा चीज़ें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। डेट अभी है, लगभग 1 महीना है आपके पास, ये मैं सोचना है कि डेट ख़त्म हो जाएगी, डेट बहुत है। ठीक है, 29/11/2019 को ये आपका फॉर्म जो है लगभग ख़त्म कर देंगे। लगभग ये समझे कि आप लोगों के पास 15 से 20 दिन है फॉर्म को फिल करने के। ऑनलाइन फॉर्म है, मैं फॉर्म पे आपको लेकर चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। जोन सी वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है उसका जो है अप्लाई लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने जितना हो सकता था सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी है। कोई डाउट है बताइए मुझे, बाकी अगर आपको नहीं समझ आती चीज़ें तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को वो क्लियर कर दूंगा। मेरी तरफ से तो सारे डाउट आप लोगों के दूर है, लेकिन अब आप बात आती है कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई देखो, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई करें। बाकी अगर आपके पास वो गट्स है कि दूसरे स्टेट में जाकर रिटर्न एग्ज़ाम या फिर आप जो है नौकरी कर सकते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। एक और चीज़, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटर्न होगा और आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो बाकी आप देख लें कि इस बेस पे आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। और बाकी मैंने कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जहाँ से आप इसरो DRDO ONGC IOCL BRC की जो है
बुक्स खरीद सकते हैं जो आपको ई के माध्यम से मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। धन्यवाद।